स्वास्थ्य व्यवस्था का दुरुस्तीकरण करने की बात करने वाले स्वास्थ्य विभाग के हालात कुछ इस तरह से बदहाल है कि आप देखकर हैरत में पड़ सकते हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट में बना हुआ है। इस अस्पताल को करोड़ों की लागत से बनकर तैयार किया गया है। इस अस्पताल में 100 बेड का मरीजों का इंतजाम किया गया है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क पूरी तरह से दुरुस्त होना चाहिए। अस्पताल में पानी के नाम पर जो टोटियां दिख रही हैं, यह सिर्फ शोपीस है, लेकिन आरओ प्लांट के पानी मरीजों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। बचा कुचा एक पूरे अस्पताल में हैंडपंप है जो खराब पड़ा हुआ है। मरीजों को 20 रुपए की एक बोतल पानी की खरीद कर बाहर से पानी लाना पड़ता है, उसके बाद अपने मरीजों को पानी पिला पा रहे हैं। इस प्लांट को आप भी जरा गौर से समझ लीजिए। यह आरओ प्लांट सरकार ने मरीज और तीमारदारों के लिए बनवाया था। अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही इस प्लांट को ध्वस्त कर दिया है। आखिर आने वाले दूर दराज से मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिला अस्पताल में लाखों की कीमत से बना यह प्लांट खराब पड़ा हुआ है। ना तो मरीज पानी पी रहे और ना ही उनके तीमारदारों को साफ सुथरा आरओ का पानी उपलब्ध हो पा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर संयुक्त जिला चिकित्सालय के आला अधिकारी इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है कि सरकारी योजना का लाभ मरीजों तक नहीं पहुँच पा रहा है? ऐसे में सवाल उठता है कि कब बनकर ये तैयार होगा। ये जो पानी की टंकी बनी हुई और हैंडपंप लगा हुआ, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, कितनी समस्याएं होती हैं मरीजों को? यहाँ करोड़ों से पानी टंकी बनी हुई है, नल भी लगा हुआ, लेकिन यहाँ गरीबों के लिए पानी व्यवस्था नहीं है। अब लोग यहाँ गरीबों पानी 20 रुपए बोतल पानी बाहर लेके आते हैं, पीते हैं यहाँ। तो कैसे समस्याएं हो रही हैं? ये नल यहाँ चालू हो जाए, समस्या पानी टंकी यहाँ बनी हुई है करोड़ों की, अब कैसे चल ही नहीं रहा है। कितने दिनों से समस्याएं हैं? काफी समस्या चल रही है, जब से बने तभी समस्या चल रही है।